Hello guys, welcome on Get Government Job YouTube channel. This is your friend Prabhat Kumar speaking. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र क्या होता है और स्वचालित तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य होते हैं, इनके अंदर किस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैगली महोदय ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, ये हैं अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यदि हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसे थोरे कोलंबर आउटफ्लो भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोगैनगली योनिक तंतु होते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक एवं लंबर क्षेत्र में ही संलग्न करते हैं या जॉइंट करते हैं। यह एक जोड़ा गैंग्लियोनिक श्रृंखला को रखते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर गर्दन से उदर तक रहता है। वहीं यदि हम परानुकंपित तंत्रिका तंत्र की बात करें तो यह युग्मित गैंग्लियोनोमिक श्रृंखला का बना होता है जो मस्तिष्क से आरंभ होता है एवं स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल भाग से भी उत्पन्न होता है। तो दोस्तों उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।